जनपद बलिया के गढ़मलपुर सहुलाई में स्थित श्रीनाथ इंटर कॉलेज में शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन श्रीनाथ इंटर कॉलेज बचाओ मोर्चा का गठन किया गया है। दरअसल इन लोगों का कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इनके बच्चे पढ़ते हैं, ना ही ये लोग श्रीनाथ इंटर कॉलेज के कोई सदस्य हैं। शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित करना मेन मकसद है। बीते दिनों धन उगाही और कॉलेज का मेंबर बनने के लिए इन लोगों ने कॉलेज पर आरोप लगाए थे। इसका संबंधित अधिकारियों के द्वारा जांच भी किया गया, जिसमें इन लोगों का आरोप निराधार निकला। इन लोगों के लिए किसी अधिकारियों का जांच कोई मायने नहीं रखता। यह लोग कॉलेज से धन उगाही करना चाहते हैं, जिसके लिए तमाम हथकंडे अपनाकर कॉलेज को प्रभावित कर रहे हैं। उपयुक्त बातें श्रीनाथ इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने कही। प्रबंधक ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। बातों को पुराने मामले को फिर से ये लोग उठा रहे हैं, क्या कर रहे हो, आपकी विचार है क्या है, क्या मामला है? मैं एक लाइन में उस बात को कहना चाह रहा हूँ, ये लोग विद्यालय से किसी तरह से संबंधित नहीं है। पहली बार इनके बच्चे भी उसमें नहीं पढ़ते हैं, और ये 2012-13 से, मैं एक बार और बताया था इस बात को, एक ही मुद्दे को बार बार उठाते हैं, जिसकी जाँच समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा की गई है। वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर SDM सिकंदरपुर द्वारा जांच की प्रक्रिया पूर्ण की गई है, जिसमें हमको निर्दोष पाया गया है। निर्दोष पाने के बाद फिर ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, क्या मामला है? तो ये लोग अपने निजी हित के लिए कोई मेंबर बनने की चाह रखता है, कोई पैसे की मांग करता है, और ये लोग फर्जी एक फ्रंट चला रहे हैं। मैं तो आप लोग के माध्यम से इस बात की मांग करता हूँ कि जो एक ये लोग बनाए हैं इंटर कॉलेज बचाओ मोर्चा, वो उसका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, उस पर एक तैयार होना चाहिए। और ये लोग फर्जी तरीके से आरोप लगाते हैं, हमको धमकाते हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जो पेपर की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं आपके रिश्तेदार हैं, इस पर वो क्या कहना है? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रशासन योजना है जिसके तहत विद्यालय संचालित होता है, उन नियमों के अधीन जो भी लोग हैं मेंबर हैं, और जहाँ तक रिश्तेदार की बात है, मेरे कमेटी में अवधेश सिंह, इंद्रजीत सिंह, विजय बहादुर सिंह, अशोक सिंह, ये तमाम लोग हैं। ये क्या मेरे रिश्तेदार हैं? सुरेंद्र राम हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। इन लोग का आरोप निराधार है, असत्य है, गलत है, और ये 2012-13 से ही विद्यालय के शिक्षण कार्य को बार बार बाधित करते हैं और परेशान करते हैं। साल में बताइए 5 बार जाँच होगी, तो हमारा दिमाग इसमें बटा रहेगा, कहाँ से हम शिक्षा की व्यवस्था दे पाएंगे? ये फीस की बढ़ोतरी के लिए क्या है वो कह रहे थे, फीस डबल ये कर लिया गया बच्चों? नहीं सर, वित्त विहीन, मेरा इंटर वित्त विहीन विज्ञान वर्ग में चलता है, तो इसके लिए दो बार ये लोग दरखास्त दिए, 3 बार उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक का आदेश है कि सबित की तरह वित्त विहीन को नहीं देखा जा सकता, उसके लिए अलग से फीस ली जाएगी, तभी हम शिक्षक को या अन्य संसाधनों पर खर्च कर पाएंगे, उसमें कोई दुगुना तिगुना फीस नहीं दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है और कोई भी हमारा छात्र या उस अभिभावक उसका विरोध नहीं करता है, सबसे वार्ता के क्रम में और शासनादेश के अंतर्गत फीस ली जाती है। जी, तो वो जो लोग आपके लगातार कई सालों से विगत आपके पीछे लगे हुए हैं, वो लोग कौन लोग हैं? सर, 3-4 लोग उस गाँव के हैं और तथाकथित एक मोर्चा बनाए हैं, और हर जगह उनका यही काम है, बाकी कोई रक्षण का है, कोई सिकंदरपुर का है, 7-8-9 लोगों का गिरोह है। इसके अतिरिक्त गांव में इनका कोई सपोर्ट नहीं है और अभिभावक इनके कहने पर जाते भी नहीं हैं, न बच्चे हमारे विरोध में हैं। हमारी संस्था, मैं चाहूँगा कि आप उसको देखिए, बहुत सुचारू रूप से संचालित हो रही है और शिक्षण कार्य चल रहा है। ये आप क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम? मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इनकी जो इंटर कॉलेज बचाओ मोर्चा एक संगठन बनाए हैं फर्जी, जिसका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर FIR होना चाहिए, जो SDM और PM के जांच के बाद भी गलत उसको साबित कर। आपको लगता है कि इन लोगों के लिए अधिकारियों का जाँच भी मायने नहीं रखता है? कोई मायने नहीं रखता है, तभी तो किए हैं। SDM स्तर का अधिकारी जांच किए हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जांच किए हैं, DM साहिबा उसको सीन की है, देखी है, निस्तारित की है, और इसका निस्तारण हो चुका है, उसके बावजूद इस तरह की
बात ये लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अधिकारियों के नियम का उल्लंघन कर रहा है? ये सरासर अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, शासन प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं? अब ये लोग सर धन उगाही चाहते हैं, वो मेरे बस का नहीं है। मैं विद्यालय चलाऊँ, उसकी व्यवस्था देखूँगी, इनको पैसा कहाँ से दूंगा।